अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन दालचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है 150 ग्राम चना दाल, तकरीबन समझिए ना एक कप से थोड़ी कम होगी और 3/4 कप से ज़्यादा होती है। इसे मैंने 2-3 पानी से धो के साफ पानी में 1 घंटे पहले भिगाने रख दिया था। अब नितार कर इसे कुकर के अंदर डाल दीजिए। अब इसमें पानी इस कदर डालिए कि डबल डालना है। तो मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 1 कप से थोड़ी ही कम है, तो मैं यहाँ 2 कप पानी डाल देती हूँ, आधा छोटा चेका चम्मच हल्दी, और इसका ढक्कन लगा दीजिए फास्ट आँच पर। सिटी 1-2 खिलाकर इसे स्लो आँच पर 10-12 मिनट के लिए पकने दीजिए। जब 10-12 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने हिसाब से, और जब तेल गर्म हो जाए तो गर्म मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर 3-4 काली मिर्च है, 3-4 हरी इलायची है, 3-4 लौंग, 1 डंडी दालचीनी की, 2-3 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची। ये डालकर बहुत अच्छे से तड़तड़ा जाने दीजिए गर्म तेल के अंदर। जब अच्छे तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को छुंदा काटा है, यानी कि बारीक काटा है, वो डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये देखिए हो गई है। यहाँ मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों के छील निकाल लिया और बारीक काट कर मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसे तकरीबन बार बार चलाते हुए ये जो टमाटर हैं इन्हें 2-3 मिनट तक बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाएंगे ना, तो इस तरीके से आप देख सकेंगे सॉफ्ट हो गए हैं, और ये देखिए इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं स्पैचुला की मदद से थोड़े से प्रेस भी करते जा रही हूँ तो कितने अच्छे से घुल रहे हैं। बस यहाँ तक ये जब सॉफ्ट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच। नमक डाल दीजिए 1 छोटा चायका चम्मच, आधा छोटा चायका चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चायके चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ साथ मैं आधी छोटी चाय की चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और 1.5 मिनट तक इन्हें भी फ्राई कीजिए, सो दैट मसाले भी तो फ्राई होंगे ना। चूल्हा मैंने स्लो पर ही रखा है। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने चूल्हा कर दिया मीडियम आँच, और इसमें अब पानी डाल दीजिए 1/4 कप। एक बार चला लीजिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो ढककर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक मसाले भून नहीं जाते और तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए तेल छूट चुका ना, तो फिर से मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ 1/4 कप जितना, और फिर से इसे एक बार चलाकर इसमें उबाल आ जाने दीजिए। चूल्हा चाहे तो आप मीडियम या फास्ट कर सकते हैं। जब उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए तेल छूट गया ना, तो अब मैंने 2 बार मसाले भुने हैं, तो बहुत अच्छे से मसाले भुना गए हैं। टमाटर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से नम तो हो चुके हैं, घुल भी चुके हैं। तो यहाँ पर ना चूल्हा मैंने कर दिया है फास्ट आंच, और 2 टेबलस्पून दही डाल दीजिए, और दही को बार बार चलाते हुए 1.5 मिनट तक फास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए। जब 1.5 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे तो यहाँ पर डाल दीजिए चिकन धोई हुई, चर्बी निकाली हुई। तकरीबन मेरी ये 700 से 800 ग्राम के दरमियान है। आप 1 किलो तक भी चिकन ले सकते हैं। इस पर मैं 1 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी सूखी हुई डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पर ही रखिएगा, और इसे बार बार चलाते हुए मसाले में भी तो भूनना पड़ेगा ना, तो 3-4 मिनट तक मसाले में भून लीजिए। तकरीबन मैं 3 मिनट तक इसे बार बार चलाते हुए, ओकेशनली चलाते हुए भून लेती हूँ। अच्छा, 12-14 मिनट हो गए थे तो चूल्हे को मैंने कर दिया था बंद कुकर के, और अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद खोल कर चेक कर लीजिए, आप देख सकते हैं हो चुकी है। अच्छा, मुझे ना ऐसी आधी दिखने वाली दाल और आधी थोड़ी सी मैश करी हुई बहुत पसंद है, तो मैं इसे दाल घोटनी से घोटती नहीं हूँ। आप चाहें तो इसे दाल घोटनी से घोट सकते हैं, या फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे पीस लीजिए। मैं इसे साइड पर रख देती हूँ, और ये आ गए हम चिकन के ऊपर। इसे फिर से चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, नमक आप चाहें तो फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ और डाल कर मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन समझिए ना, मैं 3-3.5 मिनट तक इसी तरीके से बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर चिकन को मैंने फ्राई कर लिया। जब 3-4 मिनट हो गए, चूल्हे के कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकने दीजिए।
तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन देख सकते हैं आप कितनी टेंडर, एक तो कितनी 750 ग्राम्स ही चिकन है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी चिकन है और पीसेस भी छोटे हैं, तो मैंने 5 मिनट दम पे रखा है। आप चाहें बड़ी चिकन हो तो 7-8 या 10 मिनट रख सकते हैं। चलिए मैंने चूल्हा मीडियम आँच कर दिया है, आप चाहें तो फास्ट भी कर सकते हैं, और इसका थोड़ा सा अगर पानी लगे तो थोड़ा सुखा लीजिए। जब थोड़ा तेल छूटने लगे तो ये जो दाल हमने साइड पर रखी है, मैंने तो ऐसी ही रख दी है, साबुत आप देख रहे हैं ज़्यादा दिख रही है, मुझे ऐसी पसंद है, आप पीस के या फिर घोट के रखे हैं तो वो डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। थोड़ी दाल और ये जो हमने मसाले डाले हैं थोड़े एक दूसरे में इन्फ्यूज़ तो होंगे ना, और एक बीच बीच में ओकेशनली इसे चलाते जाइएगा। जब अच्छी मिक्स हो जाए और अच्छा इस तरीके से उबाल आने लग जाए तो पानी डाल दीजिए। मैंने 1 कप पानी कुकर के अंदर डालकर चलाकर डाला, और दूसरा 1 कप पानी मैंने ऐसे ही सादा डाला है, आपने देखा 2 कप पानी डाला, एक बार चला लीजिए। अच्छा, नमक आपने तो डाला नहीं है दाल के भाग का, तो यहाँ प्रॉपरली दाल के भाग का नमक डाल दीजिए। आधा छोटा का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, और ये है ना मैंने 20 ग्राम इमली को थोड़े से पानी में भिगा कर रख दिया था, और ये उसका पल्प है, कुछ नहीं, भिगा के रख दीजिए, अच्छी सॉफ्ट हो जाए तो उसको निचोड़ लीजिए, जो पानी मिले वो पल्प है वो डाल दीजिए इसके अंदर। कोथमीर यानी कि हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके 15 मिनट तक ढक के पकने दीजिए। 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और अभी 1 घंटे के बाद मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैंने चूल्हा फिर से चालू कर दिया और इसे थोड़ा सा उबाल खिला लिया, स्लो आंच पर ढक कर ही पकने रखा था। थोड़ा सा आप देख सकते हैं उबाल आ गया है, तो यहाँ मैंने ढक्कन खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद भी दाल कितनी परफेक्ट लग रही है, एकदम गाढ़ी नहीं हुई। उसकी वजह मैं बताती हूँ, मैंने 2 कप पानी डाला था क्योंकि मुझे पता है मैं 1 घंटे के बाद सर्व करने वाली हूँ। अगर आप उसी समय सर्व करते हैं ना तो आप पानी 1 कप या 1.25 कप ही डालिएगा, क्योंकि इस समय अगर 1 घंटे के बाद अगर आप 1.25 कप पानी डालेंगे और 1 घंटे के बाद फिर सर्व करेंगे ना, तो इसका क्या होगा ना, बहुत गाढ़ी हो जाती है, फिर यहाँ गर्म पानी करके थोड़ा सा डालकर फिर पकाना पड़ेगा आपको। तो इससे बेटर है आप अगर उसी समय सर्व कर रहे हैं तो 1 या 1.25 कप जितना पानी डालिएगा, और मेरी तरह 1 घंटे के बाद सर्व कर रहे हैं तो 2 कप पानी डालिएगा। चलिए ये अब मैं इसे अच्छी खासी उबल चुकी है तो मैं इसे साइड पर रख लेती हूँ और एक बढ़िया सा तड़का कर लेते हैं। तो एक प्याले के अंदर अच्छे से तेल डालिए, उसके अंदर मैं यहाँ 1.5 छोटा चाय का चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देती हूँ। चूल्हा मैंने स्लो पर रखा है, 3-4 हरी मिर्चियाँ स्लिट मारकर साबुत वाली डाल दीजिए और इसे हल्का सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब आप देखें कि ये जो लहसुन है थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है, ये देखिए, जब आपको लगेगा इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और क्विकली ना आप 1/2 छोटा चाय का चम्मच इस तेल के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, कश्मीरी वाला मिक्स कर लीजिए, और उसी समय क्विकली हमारी दाल के ऊपर तड़का डाल दीजिए। तो ये आ गई हमारी बढ़िया सी तरी इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ, और ये बन गई हमारी बढ़िया सी जबरदस्त चिकन दालचा, मज़ेदार सी। अच्छा, हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियों का पाउडर, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, खटास भी आपको 20 ग्राम नहीं डालनी है, इमली का पल्प तो आप क्या कीजिए, आप 10 ग्राम ही इमली का गूदा डालिए या फिर 15 ग्राम डालिए, या आप टोटली स्किप कर दीजिए, वो टोटली इमली की खटास का आपके ऊपर डिपेंड है। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।